वेलकम बच्चा लोग। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो कि पार्ट है किसका, मेजरमेंट का। इससे पहले हम पीएमएमसी और एमआई ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट क्या मतलब, जितना हो पाता है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर हम चलते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे। तो देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में क्या होता है कि दो क्वाइल होती है, एक को बोलते हैं फिक्स्ड क्वाइल, एक को बोलते हैं मूविंग क्वाइल। तो जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, दो क्वाइल है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। हम डिटेल में भी चलेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लिया जाए। तो मान लेते हैं ये फिक्स्ड क्वाइल है और ये वाली क्वाइल को हम बोल देते हैं मूविंग क्वाइल। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में दो क्वाइल हमें यूज करना है, जिसमें से एक फिक्स होगी और एक मूविंग होगी। अब बताइए, अगर हमारे पास दो क्वाइल है तो उन दोनों क्वाइल का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होगा। तो मान लेते हैं L1 इंडक्टेंस है पहले क्वाइल का और L2 इंडक्टेंस है दूसरी क्वाइल का। अब आप एक चीज मुझे बताइएगा, जब दो क्वाइल आपस में पास पास रखी गई है, तो क्या इनके बीच में एक और इंडक्टेंस अपियर होगा या नहीं होगा, जिसे आप बोलोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इनके बीच एक और इंडक्टेंस अपियर हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसे हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब एक चीज मुझे बताइए, L1 की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक बार क्वाइल बन गई तो उसका इंडक्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, करेक्ट। वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो L की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। मान लीजिए हमें 50 हर्ट्ज पे काम करना है, तो L की वैल्यू हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं। तो L1 जो है फिक्स्ड क्वाइल का इंडक्टेंस, L1 कांस्टेंट हो गया, और L2 जो है मूविंग क्वाइल का इंडक्टेंस वो भी कांस्टेंट हो गया। अब मुझे बताइए, क्या M की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी? बताइए, सोचिए, क्या M की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी? बिल्कुल भी नहीं। M की वैल्यू तब कांस्टेंट होती जब दोनों क्वाइल फिक्स होती, अपनी जगह से दोनों क्वाइल डिस्प्लेस नहीं हो रही होती, तब M की वैल्यू फिक्स होती। बट एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक क्वाइल की फ्लक्स दूसरे क्वाइल को लिंक कर रही है, इस बात पे एम की वैल्यू डिपेंड कर रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, मूविंग क्वाइल मूव कर रही है, तो कभी मूविंग क्वाइल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, कभी मूविंग क्वाइल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो फ्लक्स का लिंकेज है वो भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स का लिंकेज चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा, करेक्ट। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका फंक्शन है? जैसे क्वाइल मूव करेगी, जो हम पॉइंटर कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में, वो किसमें कनेक्ट करेंगे, फिक्स्ड क्वाइल या मूविंग क्वाइल में? हमेशा जो पॉइंटर है वो हम मूविंग क्वाइल में कनेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं ये पॉइंटर हमने कनेक्ट कर दिया ताकि हम रीडिंग ले पाए। तो जब ये मूविंग क्वाइल मूव करेगी तो ये पॉइंटर भी मूव करेगा, और ये पॉइंटर कुछ एंगल बनाते हुए मूव करेगा। मान लीजिए एक सिंपल समय, आपको एक पहले पॉइंटर यहां पे था, फिर पॉइंटर आपका पहुंच गया इस पॉइंट पे, ये 0 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, तो ये कुछ थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये पॉइंटर मूव कर रहा है मतलब मूविंग क्वाइल मूव कर रही है, मूविंग क्वाइल मूव कर रही है मतलब एम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम क्या इनडायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है ये थीटा का ही फंक्शन है? एम इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ थीटा। अगर थीटा चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। तो चलिए अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का हम डेरिवेशन थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं।
मान लीजिए हमारे पास दो क्वाइल है, ये है एल वन, ये है एल टू। इसका इंडक्टेंस है एल वन पहली क्वाइल का, दूसरी क्वाइल का इंडक्टेंस है एल टू, और दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम वन। पहली क्वाइल में मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है आई वन, दूसरी क्वाइल में करंट फ्लो हो रही है आई टू। अब एक क्वाइल में करंट अगर डॉट से एंटर कर रही है, तो हमने ये दिखा दिया कि दूसरे क्वाइल में भी जो करंट है वो डॉट से एंटर कर रही है। अब अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये बोल देते हैं कि ये वाली जो क्वाइल है वो फिक्स्ड है, और ये वाली जो क्वाइल है वो क्या है, मूव कर रही है। तो इसको हमने बोल दिया भाई ये है मूविंग क्वाइल। तो देखिए बच्चा लोग, क्या होता है कि जब भी किसी क्वाइल की बात आती है तो क्वाइल की वजह से एक इंडक्टेंस पिक्चर में आता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। किस तरह की एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो टोटल एनर्जी स्टोर की बात करें, यहां पे दो इंडक्टर की बात हो रही है ना, तो टोटल एनर्जी स्टोर का भी फॉर्मूला होगा कुछ ना कुछ, जो कि हम डिराइव नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी डिराइव है। आप अगर बोलो तो मैं डिराइव करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे क्वाइल वाले स्ट्रक्चर को देख के बताइए कि टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी बिटवीन टू क्वाइल्स, एनर्जी बिटवीन टू क्वाइल्स का जो फॉर्मूला है वो होता है, पहली क्वाइल L1 कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, करंट है I1, तो हाफ L1 I1 स्क्वायर। दूसरी क्वाइल है L2, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ L2 I2 स्क्वायर। प्लस एक और इंडक्टेंस हमारे पास है, दैट इज एम, तो एम भी कुछ ना कुछ एनर्जी, एम की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एम आई वन आई टू, करेक्ट। तो ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, बट हमारा मेन टारगेट क्या है, हेडिंग देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें निकालना है। तो हम जानते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी With respect to deflection, यानी कि अगर हमें deflecting torque निकालना है, तो deflecting torque क्या होता है, energy को अगर हम differentiate कर दें with respect to theta, तो हमें deflecting torque मिल जाएगा। But अगर आप ध्यान से देखो तो equation one में, that is energy के formula में कोई भी theta का term नहीं है, तो deflecting torque तो zero हो जाना चाहिए, right? यहाँ पे देखिए कोई भी theta का term नहीं है, इस यहाँ भी कोई थीटा का टर्म नहीं है, यहाँ भी कोई थीटा का टर्म नहीं है, तो ई की टीडी की वैल्यू यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि ई कांस्टेंट है। बट मैंने क्या बताया था, याद करिए, एम इज द फंक्शन ऑफ थीटा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बट ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, I1 I2 dm upon d थीटा, ये हमें मिल गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि I1 और I2 हमेशा डीसी करंट हो, राइट? मान लेते हैं एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर I1 और I2 एसी करंट है तो क्या होगा, I1 and I2 as AC. तो I1 को AC फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, I am 1 sin omega t. I2 मान लेते हैं I2 करंट कुछ अलग है, तो I am 2 लिख देते हैं इसे, I am 2 साइन, और इसमें कुछ दिखा देते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं भी दिखाओगे तो आप चल जाएगा, बट हम एनालिसिस के लिए ये ले रहे हैं, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर। तो अब आगे के एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इस आई वन की वैल्यू जो एसी है, इस आई टू की वैल्यू जो एसी है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में, जो कि है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला।
तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा, आई एम वन आई एम टू ब्रैकेट में हमने क्या ले लिया साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और बाहर आ गया डी एम अपॉन डी थीटा। अब एक काम करिए, टू से डिवाइड कर दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, टू साइन ए साइन बी। अब टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, तो ये आ जाएगा हमारा आई एम वन आई एम टू डिवाइडेड बाई टू और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया टू साइन ए साइन बी। तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। सो कॉस ए माइनस बी यानी कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा टी माइनस सॉरी प्लस फाइव डी एम अपॉन डी थीटा। तो एसी के केस में हमेशा हमें एवरेज टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज टॉर्क, टी डी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टोटल टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इनटू डीटी। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सीधा सीधा एवरेज यानी कि एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा, आई एम वन आई एम टू डिवाइडेड बाय टू कॉस फाई डी एम अपॉन डी थीटा। अब इसको हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई एम वन डिवाइडेड बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय आई एम टू डिवाइडेड बाय रूट टू कॉस फाई डी एम अपॉन डी थीटा। अब एक चीज मुझे बताइएगा, मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट थ्री क्या होता है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू क्या होता है, आर एम एस वैल्यू। सो डिफ्लेक्टिंग एवरेज टॉर्क या एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये हो जाएगा आई आर एम एस वन आई आर एम एस टू कॉस फाई डी एम अपॉन डी थीटा। ये यूनिवर्सल एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया फॉर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब एक आपके मन में बात आ रही होगी कि ये जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है उससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो उससे हम करंट मेजर, उसे हम एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं, प्लस वॉट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस तो अगर ये फाइनल इक्वेशन है हमारा, इसको हम मान लेते हैं फोर या फिफ्थ जो भी हो आप देख लीजिएगा, अगर ये दोनों करंट बराबर है, अगर ये दोनों करंट बराबर है, आई आर एम एस वन इज इक्वल टू आई आर एम एस टू इज इक्वल टू आई, तो अब मुझे बताइए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब ये किस तरह के मीटर का काम कर रहा है, एम मीटर का काम कर रहा है, राइट। दूसरा केस, अगर पहली करंट भी दूसरी करंट के बराबर है और दोनों किसके बराबर हैं, V बाई आर एस के। आर एस क्या है, जो हमारा मूविंग क्वाइल होगा उसका रेजिस्टेंस, वो हम आगे जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो यहां पे हम इसे किस तरह से यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर की तरह,
वोल्ट मीटर की तरह। अगर तीसरा केस पहली करंट V बाई आर एस की तरह है, V बाई आर एस के बराबर है और दूसरी करंट I के बराबर है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी आई कॉस फाई, और ये है पावर, करेक्ट। तो पावर दैट इज वॉट मीटर। तो हम इस इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को तीनों तरह से यूज कर सकते हैं, इससे करंट भी मेजर किया जा सकता है, इससे वोल्टेज भी मेजर किया जा सकता है और इससे वॉट यानी कि वो पावर भी मेजर किया जा सकता है। तो अब इसके थोड़े से डिटेल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, दैट इज एम मीटर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एम मीटर को अब थोड़े डिटेल में देखते हैं। एम मीटर, तो देखिए मैंने आपको बताया था एक फिक्स क्वाइल होगी, एक मूविंग क्वाइल होगी, बट सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिक्स क्वाइल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एक फिक्स क्वाइल है, ये दूसरी फिक्स कॉइल है, यहां पे हमारा लोड लगा हुआ है जिसके अक्रॉस हमें करंट बतानी है, यहां पे हमने लगा दिया एक मूविंग कॉइल, यहां पे हमने लगा दिया एक मूविंग कॉइल और ये चला गया इस तरह से। अब देखिए हमने सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस फिक्स क्वाइल को दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बराबर रहे, करेक्ट। तो देखिए ये हो गई हमारी फिक्स क्वाइल वन, फिक्स क्वाइल वन, ये हो गई हमारी फिक्स क्वाइल टू और ये है हमारी मूविंग क्वाइल। बात बराबर है, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के केस में हमेशा एक फिक्स क्वाइल होगी और एक मूविंग क्वाइल होगी, बट यहां पे हमने किया क्या है कि फिक्स क्वाइल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप बोलोगे फिक्स क्वाइल तो दो हो गई, बट नहीं, देखिए कैसे। मान लेते हमने यहां से वोल्टेज वी अप्लाई किया, फिक्स क्वाइल से करंट कितनी थी आई वन, तो यहां से करंट जा रही है I1, यहां करंट जा रही है I1, यहां से भी करंट जा रही है क्या I1, दोनों क्वाइल से सेम करंट जा रही है, मतलब क्वाइल एक ही है, करेक्ट। तो देखिए I1 करंट, ये हमारा लोड है, यही I1 करंट गई मूविंग क्वाइल में, तो मूविंग क्वाइल में मूविंग क्वाइल की करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, I2 से, तो यहां से करंट I2 निकल गई। तो अब मुझे बताइए क्या सेम करंट ही मूविंग क्वाइल और फिक्स क्वाइल दोनों से नहीं फ्लो हो रही है, बिल्कुल सेम करंट ही दोनों क्वाइल से फ्लो हो रही है। तो मान लेते हैं कि अगर I1 जो करंट है वो फिक्स क्वाइल से फ्लो हो रही है और I2 हमेशा मूविंग क्वाइल से फ्लो होती है, तो यहाँ पे दोनों करंट बराबर है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, We know that अभी हमने पढ़ा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है I1 I2 cos phi dm upon d theta। अब फेज डिफरेंस दो cos phi क्या है, यहाँ पे phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, phi रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों करंट I1 और I2 के बीच का फेज डिफरेंस। अब दोनों करंट सेम है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, phi इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि phi क्या है I1 और I2 के बीच का फेज डिफरेंस। अब दोनों करंट सेम है तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, बिकॉज phi इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज Both currents
आर सेम, तो कॉस जीरो क्या हो जाता है, वन, आई वन और आई टू क्या है, आई के बराबर है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया, आई स्क्वायर डी एम अपॉन डी थीटा। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें मिल गया फॉर इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर टाइप एम मीटर। कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको पीएमएमसी के केस में भी बताया था, तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा के थीटा। अब स्टेडी स्टेट की कंडीशन में जब पॉइंटर को हमें रोकना है एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो के थीटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एम अपॉन डी थीटा। तो थीटा क्या हो गया यहां से, आई स्क्वायर बाई के डी एम अपॉन डी थीटा। तो इलेक्ट्रोडाइनोमोमीटर टाइप एम मीटर के केस में अगर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हमेशा आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्केल कैसी होगी, लीनियर या नॉन लीनियर, यहाँ पे स्केल होगी नॉन लीनियर, राइट। तो ये पहला एप्लीकेशन का डिटेल एनालिसिस किया हमने, दैट इज एम मीटर। कल हम करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, राइट। तो इसको देख लीजिएगा पूरा और कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।